गर्दन सीधी, कंधे पीछे, आंखों से संपर्क और मुस्कान। अब बन गए कॉन्फिडेंट। जब हम गर्दन सीधी करते हैं, हमारी गर्दन ऊंची हो जाती है, हमारा शरीर का आकार भी ऊंचा होता है, हम लंबे लगते हैं। जब हम लंबे लगते हैं तो हम इम्प्रेसिव और इंटिमिडेटिंग लगते हैं, हम कॉन्फिडेंट लगते हैं। जब हम कंधे पीछे करते हैं तो हमारा शरीर खुल जाता है, हमारी बॉडी खुल जाती है, हम ब्रॉड इम्प्रेशन देते हैं, हम फियर्स यानी कि निडर इम्प्रेशन देते हैं, हम कॉन्फिडेंट दिखते हैं। जब आप आंखों से आंखों का संपर्क करते हो, दूसरों की आंखों में आंखें डाल के देखते हो, तो आंखें कहते हैं ना दिल का आईना होती हैं, तो आंखों से आपकी ऑनेस्टी, आपकी सच्चाई झलकती है, तो सामने वाले पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, वो आप पे विश्वास करता है, आप कॉन्फिडेंट लगते हो। और जब आप मुस्कुराते हो तो मुस्कान तो सामने वाले के दिल में उतर ही जाएगी, आप कॉन्फिडेंट तो दिखोगे ही। बन गए आप कॉन्फिडेंट। आज का टॉपिक है कॉन्फिडेंस। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है आप में है कुछ खास, यू आर स्पेशल। मैं हूँ शची, मैं लेखक हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, लाइफ कोच हूँ और आपकी दोस्त भी। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी हुई हुई है, फिर भी आप थोड़े से नर्वस हो। आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और लंबा इम्प्रेशन डालना चाहते हो। आप मीटिंग में जा रहे हो, आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन आपके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको किसकी ज़रूरत है? मेरी ज़रूरत है। आइए मैं आपको बताऊं कि जल्दी से कॉन्फिडेंट बनने का तरीका क्या है। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बहुत ही ओवररेटेड टर्म है, हमने बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी है कॉन्फिडेंस को। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, शची तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? अरे नहीं हो कॉन्फिडेंट। हाँ, आप मुझे मेरे बारे में या मेरे टॉपिक के बारे में बोलने बोलोगे तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पर आप मुझे माइक दे दोगे, बोलोगे स्टेज में जाओ और गाना गाओ, तो फैक्ट अलर्ट, मैं बहुत ही टेरिबल सिंगर हूँ, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता। मैं गाऊंगी तो लोग अंडे और टमाटर फेंकेंगे। फिर भी मुझे स्टेज पे जाने बोलोगे तो मैं कॉन्फिडेंट लुक लेके चली जाऊंगी, पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँगी, बस दिखावा कर सकती हूँ कॉन्फिडेंस का। और कॉन्फिडेंस की इतनी ज़रूरत नहीं होती, खाली बनना होता है, हंस के आगे बढ़ना होता है लाइफ में। ठीक है, अभी आपको तैयारी हो गई है, आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, आपको तुरंत कॉन्फिडेंट बनना है, तो क्या करें? चलो बताती हूँ। पहले रुक जाइए, शांति से बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, दुनिया को थमने दीजिए, मोबाइल दूर रख दीजिए, पैर भी मत हिलाइए, स्टिल बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, लंबी सांसें लीजिए, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसे 5 बार कीजिए। फर्क पड़ा? और बताऊं? अपना उंगली से अपनी थोड़ी ऊपर कीजिए, अपना चिन ऊपर कीजिए, मुस्कुराइए, सीधे हो जाइए, फिर से अपना चिन ऊपर कीजिए, मुस्कुराइए, सीधे हो जाइए, ये भी 5 बार दोहराइए। फर्क पड़ा? अब ऐसा कीजिए, अपने कंधे पीछे की तरफ धकेलिए, सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, फिर से पीछे धकेलिए, लंबी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, ये भी 5 बार दोहराइए। अब क्या करें? अब एक काम कीजिए, अब आईने के आगे खड़े हो जाइए, आईने के सामने खुद को देखिए और खुद से कहिए, मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आज बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दूंगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आज बहुत अच्छा करूँगा। इससे क्या होगा? आप जब बोलते हो, आपकी बातें आपके ब्रेन तक पहुँचती हैं, ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर करता है कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप ऐसे ही बिहेव करते हो, वो फर्क पड़ जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में। और बताऊँ एक मैजिक दूँ जिससे कॉन्फिडेंस दुगना चौगुना हो जाएगा? रोंडा ब्रायन की बुक है मैजिक, उसने इस शब्द को, इस क्रिया को मैजिक बोला है। उसका नाम है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद अदा करना, शुक्रिया अदा करना। हम जीवन जी रहे हैं, उस हमारे जीवन में कई लोग जो हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे जन्म से लेके आज तक कितने लोगों ने हमारी सहायता की, उन सबको थैंक यू बोलो। थैंक यू भगवान, आपने हमको ये जीवन दिया। थैंक यू भगवान, आपने हमें माँ बाप दिए, आप प्यार करने वाला फैमिली दिया। थैंक यू भगवान, हमें पानी दिया, हमें खाना दिया, हमारा पालन पोषण दिया, अच्छी टीचर्स दी। अनगिनत लोग हैं जिनको आप शुक्रिया अदा करते कर सकते हो। करते जाइए, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे, आप शुक्रिया अदा करते जाइए। इससे देखना आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, आप कॉन्फिडेंट अंदर से फील करोगे और किसी का शुक्रिया अदा करके जो अंदर से खुशी मिलती है ना, वो आपके चेहरे पे ग्लो आता है, वो कॉन्फिडेंट लुक आता है चेहरे पे,
वो दूसरों को इम्प्रेस कर देगा और आपका दिमाग शांत हो जाएगा, जिसके आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा सामने वाले पे। उम्मीद करती हूँ छोटा सा तरीका, छोटी सी एक्सरसाइज से आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। अगर कर रहे हो तो ज़रूर मेंशन करना इस कमेंट बॉक्स में। हाँ, और अगर आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पर स्पेशली बोलूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं अगला वीडियो उसी पर बनाऊँगी। और कॉन्फिडेंट फील करने के लिए मेरी एक किताब है, 10 स्टेप्स टू पर्सनालिटी एनहांसमेंट, उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया है, वो ज़रूर पढ़िएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।